फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के रिज़ल्ट के बारे में। यूपीएसआई के रिज़ल्ट के बारे में, जैसा कि आपने मार्च के अंदर बहुत सारी डेट सुनी थी कि जो रिज़ल्ट है आपका 12 को आएगा, फिर 15 को आएगा, फिर 20 को आएगा, फिर कुछ ने कहा 28 को आएगा, फिर कुछ ने कहा 31 को आएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अभी तक रिज़ल्ट की डेट को लेकर कोई भी पुष्टि या नोटिस जारी नहीं किया गया है कि आपका रिज़ल्ट जो है इस डेट को आएगा। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। इस वीडियो में हम रिज़ल्ट के अपडेट की बात करेंगे और आपकी जो सेफ कट ऑफ है, यानी कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है और इसके अंदर जो लास्ट नोटिस पब्लिश किया गया है वो 31 मार्च को दो नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, और इन दो नोटिस में से एक भी यूपीएसआई से रिलेटेड नहीं है। आपको पहले ही बता दूं, यूपीएसआई से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं है। वहीं अब कुछ जगहों पर मैं सुन रहा हूं कि 3 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। मतलब जैसे जैसे डेट निकलती जा रही है तो डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि किसी को भी अभी कोई जानकारी नहीं है कि आपका रिज़ल्ट जो है कब आएगा। तो इसलिए आप बेकार की वीडियो ना देखें, एक वीडियो देखें और उससे आप समझ जाएं। क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक घंटे के लिए ही दिखाई देगा, उसके बाद आप देख नहीं सकते। क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो 1-1.5 महीने तक ऑनलाइन रहेगा और आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप 1 घंटे बाद भी देख सकते हैं और पहले भी देख सकते हैं। तो ये जो भी डेट आ रही हैं इनको बिल्कुल भी सच नहीं माना जा सकता। आपका रिज़ल्ट हो सकता है कल आ जाए, या फिर परसों आ जाए, या फिर 1 वीक के बाद आए। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो पहली बात तो रिज़ल्ट की हो गई, और ना ही रिज़ल्ट के बारे में अभी तक कोई नोटिस जारी हुआ है डेट के लिए, आंसर की के लिए कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की जो है वो कब आएगी। ऐसी भी कोई डेट जो है जारी नहीं की गई है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो अभी आप निश्चिंत रहिए। अगर मैं बात करता हूँ सेफ कट ऑफ के बारे में कि जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग के लिए अलॉट किया जा सकता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 20,000 कैंडिडेट को ये पहली लिस्ट के अंदर अलॉट करेंगे DVPST के लिए, और उन्हीं का फिर ट्रेनिंग होगा। इसके अंदर से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के कारण, फ्रॉड डॉक्यूमेंट के कारण जो है निकल जाएंगे, और बहुतों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं भी होंगे, तो जो बचेंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अब जो ये कट ऑफ है उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है रनिंग के लिए, आप UR के लिए देख सकते हैं। अगर आपके 110 नंबर के आसपास हैं, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, तो आप एक सेफ कंडीशन में हैं। अगर मैं बात करता हूँ OBC के बारे में, तो OBC के लिए अगर आपके 103 से 108 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं अगर बात करते हैं EWS के बारे में, तो EWS की जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास आपकी जा सकती है। और इसके अंदर मैं बात करता हूँ SC और ST के लिए, SC और ST की जो कट ऑफ है, अगर आपने सारे क्राइटेरिया जो हैं फुलफ़िल कर दिए हैं और आपके 85+ मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि आप 85 और 90 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको रनिंग के लिए अलॉट किया जा सकता है। क्योंकि और ये रो मार्क्स के अंदर है, नॉर्मलाइज होने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी
जैसा कि अब मैं बता रहा हूँ एससी एसटी के लिए कि 85 से 90 आपके मार्क्स हैं, तो नॉर्मलाइज होकर ये हो सकता है कि 92 या फिर 93 चले जाएं। तो इस इतना डिफरेंस आ सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप इससे निश्चिंत रहें। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं जो मैंने आपको रेंज बताई है, तो आप ट्रेनिंग की तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।